फिर ही बना लें। तो चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो एक अच्छा लगता है कि बंदा आप कहीं तफरी कर रहे हो या घूम रहे हो तो अपने मूवमेंट या अपने वो जो यादगार है उसको कैप्चर कर लिया जाए। तो मैंने भी कुछ यही कोशिश की है और देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे साथ चलते रहिए। तो फ्रेंड्स, हम घूमने आए हुए थे। इस वक्त हैं हम कोटरी ब्रांच की तरफ। ये मेहरापुर से थोड़ी एक दो किलोमीटर दूर है। तो चलते चलते एक आइडिया आ गया कि चलो घूम रहे हैं, कुछ वीडियो बना ली जाए। तो हमारे साथ हैं वसीम अहमद जो टंडो आदम से इनका ताल्लुक है, और दूसरी तरफ है मुनव्वर अली कोटरी से, और मैं। काफ़ी खुशगवार है, हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं, इतनी शदीद गर्मी बहरहाल महसूस नहीं हो रही। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोकस करके बताया कि यहाँ पर सिर्फ आपको पानी की आवाज़ सुनाई देगी, और उसके अलावा यहाँ का माहौल, मैं सच पूछूँ तो बहुत एक सुकून फील हो रहा है। कोई शोर शराबा नहीं सिवाय इस पानी की आवाज़ के। उसके अलावा आपको मैंने पहले भी दिखाया कि यहाँ के दरख्त वगैरह, उनकी छाँव, और ये पीछे का सारा बैकग्राउंड। तो साथ के साथ मैं कह रहा था कि कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री टाइप पे एक वीडियो बन जाए जिससे जिन्होंने हमारा शहर नहीं भी देखा वो भी इसकी खूबसूरती को देख लें। तो मैं चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे मूवमेंट सेव करके रखूँ अपने मोबाइल में और लोगों तक इसको पहुँचाऊँ कि वो देखें कि कितनी खूबसूरती है इंटीरियर सिंध की तरफ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा जितने हमारे हुक्मरान हैं कि ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट है। अगर यहाँ पर हमारे जो हुक्मरान हैं
वो कोई पार्किंग वाला सिस्टम कर दें, झूले वगैरह लगा दें, तो ये पॉइंट एक पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बच्चे फैमिली यहाँ पर घूमने आएंगी। अब मजीद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस लोकेशन पे ऐसी चीज़ें बन सकती हैं, तो इसके बाद हम आगे चलेंगे। रियली फ्रेंड, सच पूछे तो देखें कितना पुरसकून माहौल है। सिर्फ आपको पानी की आवाज़ सुनाई देगी, इसके अलावा आप देखें दरख्तों की छांव, पानी का शोर एक अलग ही मज़ा देता है आपको। देखें चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। बेहतरीन है। अक्सर लोग जो हमारे शहर के हैं वो यहाँ पर आते हैं क्योंकि मेहरापुर का जो पानी है ना वो खारा हो गया है, तो ज़्यादातर लोग मैंने देखे यहाँ पर रिक्शे में पानी लेकर जा रहे थे, और यहाँ का पानी बहुत ठंडा और साफ़ है और फैमिलियाँ यहाँ से भर भर के पानी लेके जाती है। बड़ा मज़ा फ्रेंड। जो दोस्त यहाँ घूमने के इरादे से आए तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बना ली है कि यहाँ पर चाय वाय की सहूलत मौजूद है। ढाबा है ब्रांच के साथ ही, छोटा सा ढाबा, सही कह रहा। ये मैं कोटरी वाली ब्रांच का दूसरा हिस्सा है, पहला मैं आपको दिखा चुका हूँ जो उस तरफ है, और ये चंद फासलों के बाद ये दूसरा हिस्सा, वो आपको दूर एक नज़दीक नज़र आ रहा होगा एक पुल, वो रिसेंटली यहाँ पर अभी तामीर हुआ है। मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ, देखिए तो फाइनल स्टेज हो गया है, कंप्लीट कर लिए, विजिट कर लिए, आपको सारे हिस्से दिखा दिए ब्रांच के, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, जितने भी हमने आपको शेयर कराए आई होप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि यही ऐसे पॉइंट होते हैं कि बंदा अगर कहीं जा रहा है तो अपने यादगार कैप्चर कर ले। तो इंशाल्लाह फिर कभी ऐसी पिकनिक पॉइंट पर गए या जगह पर गए तो कुछ नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट और मेरे साथ जो गेस्ट आए हुए थे वसीम अहमद उस्मानी, मुनव्वर हुसैन, उनको दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।